बिहार में इन दिनों धरना प्रदर्शन और ये अपनी मांग को लेकर के कई संगठन आगे आ रहे हैं। वहीं पे आज बेल्ट्रॉन के जो कर्मी हैं वो लोग भी आज मंत्री जीवेश मिश्रा के आवास के बाहर खड़े होकर के ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आखिर क्या बात है कि आप लोग ऑफिस में नहीं होकर के आज मंत्री जी के आवास पे खड़े हैं? हम लोग बेल्ट्रॉन से हैं। हम लोग को बेल्ट्रॉन में कोई सुविधा नहीं मिल रहा है ऑफिस में। ये लोग बोल रहे सरकारी कर्मी नहीं है, न विशेष अवकाश मिलता है, न कोई और मेडिकल छुट्टी मिलता है, न कुछ नहीं। बहाली कैसे हुई थी? हम लोग तो बेल्ट्रॉन के थ्रू हुई थी। बेल्ट्रॉन के थ्रू हुई थी तो फिर सरकार क्यों कर रही है कि आप एजेंसी का आदमी है? चलिए आप ये बताइए कि सरकार, आप कहते हैं कि हमें सरकारी कर्मी का दर्जा नहीं दिया जा रहा है, तो आपकी बहाली कैसे हुई? देखिए, हमारी जो बहाली होती है वो पूरी तरीके से सरकारी प्रक्रिया के आधार पर ही होती है। हमारा रजिस्ट्रेशन होता है ऑनलाइन, सरकार बेल्ट्रॉन और आईटी जो है हमारा परीक्षा लेती है, परीक्षा उपरांत जो है हमारा रोस्टर के हिसाब से हमारी बहाली की जाती है बिहार सरकार में। लेकिन सारी प्रक्रियाएं बिहार सरकार की फॉलो करने के बावजूद भी बिहार सरकार आईटी जो विभाग है वो हमें अपना कर्मी मानने से पूरी तरीके से मना कर देती है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि पिछले 20 सालों से जिस समय ये सरकार का कंप्यूटराइज सिस्टम, डिजिटल सिस्टम बिहार में जब लॉन्च हुआ था 2000 के दशक में, उस समय से बेल्ट्रॉन के जो कर्मी है, बेल्ट्रॉन के ऑपरेटर है, उन्होंने अपने हाथों से बिहार सरकार को डिजिटल प्लेटफॉर्म दिया। लेकिन आज इतना बड़ा हमारा सहयोग और हमारा इतना बड़ा रोल होने के बावजूद भी सरकार पूरी तरीके से हमें नकारती है, हमें बिल्कुल किसी भी तरीके का कोई सुविधा देने से बिल्कुल मना कर देती है। आज आपने मंत्री जी के आवास के पास आया है, तो आपने मंत्री जी से टाइम लिया था या नहीं? नहीं, देखिए, मंत्री महोदय से टाइम नहीं लिया गया था। हमने ये अपना उनसे मिलने का एक संघ की ओर से प्रोग्राम रखा था, जिसमें तकरीबन आज सुबह 8:30 बजे का टाइम था और 250-300 लोग हम लोग आए थे बेल्ट्रॉन के माध्यम से, कार्यरत कर्मी, और मंत्री महोदय से मिल करके अपनी गुहार लगानी थी, उनको अपनी समस्याओं को बताना था, उनसे अनुरोध करना था कि 20 साल पुराने इस एजेंसी पॉलिसी, ठेका मजदूरी को समाप्त कर हमें भी संविदा पर रखा जाए और हमें भी सारी सरकारी सुविधाएँ मुहैया कराई जाए। तो आप देख सकते हैं, इनका कहना, आज उम्मीद लेकर के आए थे कि मंत्री जी से मिलेंगे, मंत्री जी के मिलने के बाद हमें कुछ आश्वासन मिलेगा, तो आज इन्हें निराश होकर कहीं जाना पड़ेगा। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए रवजी लाइव। अभी के लिए बस इतना ही।